फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मोहम्मद अली रोड के मालपुए। तो दोस्तों, आज की जो रेसिपी है रमजान स्पेशल। यार ये मालपुआ ना, ये एक्चुअल में रमजान स्पेशल है। क्यों? क्योंकि ये रमजान के अलावा बहुत ही कम और बहुत ही रेयर कहीं का मिल गया, तो मिल गया, नहीं तो मिलता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ रमजान में ही मिलता। मैं खुद अभी लॉकडाउन लग गया लास्ट ईयर, तो कहीं बाहर जाके खा नहीं पाया था। इस साल भी बहुत ही कम लोग, अगर कई होटल में मिल रहा होगा पता होगा तो ही जाके खाएंगे या फिर ऑर्डर देके मंगाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे, इंसान घर में ही बनाता है। किसी का बनता है ठीक, किसी का नहीं बनता है। तो आज अभी बनाने वाले हैं मालपुआ, तो यार आप लोग भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करके अपने घर में बनाना। तो अभी चलो ज्यादा बात नहीं करते, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे कि मालपुआ बनाने के लिए हमें क्या क्या लेंगे। तो चलो, तो सबसे पहले लेंगे हम दूध, मैदे का आटा, अंडे, दूध की मलाई, शक्कर, इलायची पाउडर, बादाम, काजू, पिस्ता, असली घी, ये मिल्क मेड और फूड कलर। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम चाशनी बनाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने मैदा ली हूँ एक वाटी, तो शक्कर भी ली हूँ एक वाटी, ठीक है? तो मेजरमेंट आप बराबर ध्यान रखेंगे तो मालपुए बहुत अच्छे बनेंगे। तो मैं अभी क्या करूँगी, ये एक कप की मैं एक वाटी पूरा डाल दी हूँ मैंने शक्कर। अब मैं एक वाटी नहीं लूँगी, पौना वाटी लूँगी, पौना वाटी से भी कम, क्योंकि हमको लिक्विड में अंडा भी मिलेगा ना इसके लिए। अगर जिसको अंडे से नहीं बनाना है वो पूरा फुल भर के पानी ले सकते हैं, ठीक है? अब हम इसको पका लेंगे, मतलब ज़्यादा नहीं पकाना है, इतना ही पकाना है कि हमारी शक्कर अच्छे से घुल जाए और पतली सी चाशनी बन जाए, ठीक है? तो देखो यहाँ पे शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है और मैंने इसको 2 मिनट तक पका ली हूँ। अब हम क्या करेंगे, गैस करेंगे बंद। और मैं बता दूँ आपको, चाशनी देखो मेरी कुछ इस तरीके से, कोई गाढ़ी नहीं करी मैंने चाशनी को, सिर्फ इतनी है कि चिपचिपी हो गई है। अब हम इसको ठंडा करेंगे फटाफट, जितना जल्दी हो सके इसको ठंडा कर लेंगे हिला हिला के। तो देख रहे हो आप लोग, मेरी चाशनी हो गई है ठंडी, इतनी ठंडी हो गई कि अभी मैं अपने उंगली आराम से उसमें टच कर सकती हूँ। एकदम ठंडा गार नहीं करना है हमको, एकदम ठंडा नहीं करना है, हल्का सा कुनकुना रखना है, समझ गए ना? जिस तरह किसी किसी चीज को हमको कुनकुने पानी से गूंदना पड़ता ना, बस उसी तरीके से, ठीक है? अब क्या करेंगे, हम एक बाउल ले लेंगे जिसमें हम ये हमारा ये मैदा डाल देंगे। ये मैदा डाल दिया हमने एक वाटी भर के पूरा। अब क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से यही चाशनी से गूंद लेंगे, कुनकुने चाशनी से इसका बैटर बनाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और करते जाएंगे फास 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 फास। बस इसी तरीके से हमको थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और बैटर बनाते जाना है। जो मोहम्मद अली रोड में आप लोग देखते हैं ना, टोपों में, बड़े बड़े टोप में रहता है, देखो पीला पीला पूरा तैयार मसाला, वो इसी तरीके से चाशनी में घोल के रखा जाता है। उसमें कलर और जो भी है इलायची, खुशबू का सामान जो भी है, वो इस तरीके से चाशनी से घोला जाता है। उन लोग कहाँ दूध का इस्तेमाल करते, उन लोग सिर्फ रबड़ी में ही दूध का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से मैं भी दूध सिर्फ रबड़ी के लिए ही इस्तेमाल करूँगी। अब हम ये पूरा डाल दिए, इसमें लिक्विड हमारा पूरा हो गया है, ठीक है? अब ये घोल हमारा मस्त तैयार हो रहा है और इसको एकदम पतला नहीं करना है, क्योंकि अभी इसमें अंडे भी जाएंगे ना तो वो और पतला हो जाएगा, ठीक है? और अगर ज़रा सी पानी की ज़रूरत बाद में पड़ी तो हम एक दो चम्मच मिला लेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ चाशनी का ही घोल बना रहे हैं, ठीक है? ये इस तरीके से कुछ। तो देख रहे, मैं इसको अच्छे से मिला ली हूँ चाशनी में। अब क्या करेंगे, हम हमारा ये जो इलायची पाउडर है वो डालेंगे। अगर इलायची पाउडर आप लोगों को नहीं डालना है तो ना डालें। अब मैं डालूंगी ये फूड कलर, येलो कलर, ये जो है ना डिब्बी का, देखो पीला कलर, ठीक है?
इसमें से मैंने कलर डाल दिया। आप बोल रहे होंगे ये इतना गाढ़ा है, तो हाँ गाढ़ा इसलिए रखी हूँ क्योंकि इसमें अभी अंडे का जो जाएगा ना लिक्विड, तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, रख देंगे एक साइड में और हम अंडे ले लेंगे। हम यही चाशनी के बर्तन में ही अंडे फोड़ लेते हैं। तो मैंने दो अंडे ली हूँ एक वाटी मैदे के लिए। ठीक है, तो अब ये मैं अंडे फेंट लूँगी अलग से। अब यहाँ मैं अंडे फेंट ली हूँ, अब क्या करेंगे हम इसको अंडे को ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पर हम मलाई लिए है दूध की गाढ़ी गाढ़ी। ठीक है, अब हम इसको एक चम्मच भर के ले लेंगे और थोड़ी सी ले लेते हैं। तो हम ज़रा इसको अच्छे से मसल लेंगे हमारी मलाई को, यही मलाई हम अभी इसमें डालने वाले हैं। तो देखो इसको अच्छे से मैंने मैश कर ली हूँ, अब हम ये मलाई डाल देंगे हमारे बैटर में। आपके पास अगर खोआ है तो आप खोआ डाल देना, मावा। ठीक है, तो मैं अभी हर घर में तो खोआ नहीं होता ना, तो इसके लिए दूध की मलाई तो हर किसी के पास होंगी, इसके लिए मैंने दूध की मलाई डाल दी। इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसके अंदर इसी तरीके से हमारे अंडे फेटे हुए ये भी डाल देंगे। ये अब हम गए, हमारे दोनों अंडे भी चले गए। अब हमारा बैटर एकदम परफेक्ट हो जाएगा, जितना लिक्विड हमको चाहिए, जितना पतला हमको चाहिए। अब इसमें आपको चाहिए चारोली, बादाम, अगर कुछ डालना चाहते हैं तो डाल लेना, लेकिन मैं सिर्फ ये बादाम, पिस्ता, काजू जो ली हूँ ये रबड़ी में इस्तेमाल करूँगी। रबड़ी में ऊपर डालने के लिए अच्छा लगता है। तो देखो मैंने सारा घोल बना ली हूँ, घोल कुछ इस तरीके से, मतलब ये एकदम सरल तरीके से गिर जाना चाहिए, गाढ़ नहीं दिखना चाहिए या गुठली नहीं जमना चाहिए, रिबिन नहीं आना चाहिए, एकदम सीधे तरीके से नीचे गिर के पूरा फैल जाना चाहिए अपने आप। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब ये घोल को ढक के हम 15 मिनट तक छोड़ देंगे। 15 मिनट अगर आपके पास टाइम है, एक घंटा दो घंटा रख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, रबड़ी बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ली हूँ 1/2 लीटर दूध। 1/2 लीटर मतलब 250 ml ml। हाँ, क्या आधे का आधा बोलते हैं वो, मुझे आधे का आधा, आधे का आधा, आधा लीटर में से आधा। ठीक है, अब हम इसको बॉईल होने तक गरम कर लेंगे। तो देख रहे हैं आप लोग, 5 मिनट से मेरा दूध उबल रहा है और इसमें इतनी ही मलाई जमी है अभी तक। ठीक है, तो अभी हमको ये इतनी जमाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम इसमें अब ऐड करेंगे हमारी आधा वाटी भर के पूरी मलाई, मतलब 4 बड़े चम्मच। ये आधी वाटी पूरी मलाई मैं इसमें डाल दे रही हूँ ताकि हमारी रबड़ी झटपट से तैयार हो जाए। ये कितने दिन से जमा कर रहे थे मलाई? ये कितने दिन से जमा कर रही हूँ, मेरे घर में मलाई जमते रहती ना रोज, तो इसके लिए मुझे पता नहीं चलता कब तक जम रही है। 3-3, 4-4 डब्बे मेरे भरे हुए रहते हैं हमेशा फ्रिज में। तो ये अभी रबड़ी फटाफट बन जाएगी क्योंकि मैंने इसमें आधा वाटी डाली हूँ पूरा मलाई। और यहाँ पर ली हूँ मैंने 4 चम्मच मिल्क मेड। पिछले बारी को ये मेरे से खुल नहीं रहा था, इसलिए रियाज ने मुझे अभी खोल के मस्त निकाल के दिया है, बोले तुम फिर पूरा गिरा देंगे। इसके लिए मैंने 4 चम्मच हमारे वाटी में निकाल ली हूँ। और जिसके पास मिल्क मेड नहीं है वो शक्कर डाल लेना, मेरे पास था तो मैं डाल रही हूँ। ठीक है, अब हमारा मालपुआ भी मीठा मीठा हो जाएगा और ऊपर से रबड़ी भी मीठी मीठी। अब हम इसको पका लेंगे गाढ़ा हुए तक। तो देखो 10 मिनट तक पकाई मैंने, अब ये पूरी तरीके से गाढ़ा हो गया है ना, लेकिन फिर भी अभी और 2 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी। एकदम नहीं सुखाने का है हमको, थोड़ा थोड़ा लिक्विड फॉर्म में छोड़ना है,
क्यों छोड़ना है, क्योंकि हम जब इसको उतार देंगे ना गैस से, तो ये ठंडा होने के बाद में और ज्यादा ठीक हो जाती है इसके लिए। तो अभी बस मैं इसको और 2 मिनट तक धीरे धीरे पकाऊंगी और उतार लूंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी रबड़ी मेरी तैयार हो गई है। तो बस और 1 मिनट पका लूँ मैं इसको। तो देख रहे हैं आप लोग, रबड़ी मेरी तैयार हो गई है। अब क्या करेंगे हम, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा काजू, थोड़े से पिस्ते, थोड़ा बादाम, और इसको हम थोड़ा मिला लेंगे। और इसको कोई भी ठंडे बर्तन में हम पलटी कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारा फ्राई पैन एकदम गर्म है ना, तो ये क्या करेंगे हम इसमें फ्राई पैन में अगर छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, तो ये फ्राई पैन को ही पकड़ लेगा और कड़क हो जाएगा और सख्त हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जल्दी से एक बर्तन में इसको खाली कर लेंगे। तो ये मेरी रबड़ी कितनी मस्त तैयार हो गई है देखो। आहा, ये देखो, देख रहे हैं आप लोग। अब हम इसको रख देंगे साइड में। तो देखो बैटर को हो गए हैं 15 से 20 मिनट। तो अब ये मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा हल्का सा ठीक हो गया है ना। तो मैं क्या करूँगी, इसमें 1 चम्मच दूध मिला दूंगी, थोड़ा सा इसको लूज करने के लिए, ज़्यादा नहीं है, 1 चम्मच बस, थोड़ा सा ढीला करने के लिए हमको। बस ये हो गया वापस से ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हमारे फ्राई पैन में घी रख देंगे गर्म होने के लिए ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन चढ़ा दी हूँ। अब मैं मालपुए घी में बना रही हूँ, घी में बड़े अच्छे लगते हैं मालपुए। थोड़ा और बस। तो चलो घी मेरा गर्म हो गया है, अब आते हैं हमारे बैटर की तरफ। तो इसको भी 20 मिनट मैंने पूरा रखी थी अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, एक एक कटोरे में हम निकालेंगे, पहले हमको जितना मालपुआ बनाना है हम कटोरे के अंदर ले लेते हैं। तो देखो कटोरे में मैंने ले ली हूँ, मुझे मालपुआ बनाना है जितना बड़ा ठीक है। अब हम इसको ऊपर से डालेंगे। अब इसको टच नहीं करना है, बस इसी तरीके से डाल के छोड़ देंगे। तो 2 से 3 मिनट तक मैंने पका ली हूँ और ये खुद ब खुद फैल गया अपने आप ठीक है। अब हम इसको आराम से पलटी कर लेंगे, मस्त एकदम है ना। लाल 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 शक्कर का कलर आ गया, ये सब है ना, लाल जो होता है ना ये शक्कर का कलर होता है, शक्कर पकने के बाद हो जाती है ये कलर की, ब्राउन कलर। हाँ, अब हम 2 मिनट तक ये ऐसा भी पका लेंगे ये साइड से भी। तो देखो पीछे से भी मैंने 2 से 3 मिनट तक पका ली हूँ माशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे, बड़े आराम से हमारे मालपुए रख लेंगे। अब मस्त गरम गरम पे रबड़ी डाल के खाने में कितनी मजा आएगी। तो अभी मैं ना बाकी के मालपुए भी इसी तरीके से बना लूंगी सब ठीक है। देख रहे हैं ना आप लोग, सेम इसी तरीके से सारे मालपुए मेरे रेडी कर लूंगी। तो देखो इसी तरीके से मैंने मेरे सारे मालपुए तल लिए हूँ। तो मैं अभी करूंगी गैस बंद और इसको हम मस्त वाली अच्छी सी रबड़ी डाल के सजाएंगे। अब हम इस पे डालेंगे रबड़ी, मस्त गाढ़ी होगी ना, रखिए तो मेरी रबड़ी भी। हाँ रबड़ी भी मीठी मीठी, मालपुए भी मीठे मीठे, आहा मस्त ना। इसमें डालेंगे हम थोड़े से पिस्ते, तो दोस्तों तैयार हो गया अपना मोहम्मद अली वाला मालपुआ है ना, मैं मोहम्मद अली रोड वाला है ना। और सही यार देखो गजब बना है भाई, गजब। ये रेसिपी मेरे को ना ऐसा बताने की जरूरत ही नहीं है, देखो मुंह में पानी आ रहा है यार। ये रेसिपी जब बन रही थी ना तभी लोगों के मुंह में ना पानी आ रहा था है ना। हाँ। क्या बना है भाई, इसका घोल बनाने के लिए जो चाशनी में बनाई थी ना वो गाढ़ी नहीं करना सबसे पहली बात। हाँ। वो पतली ही रखना
शक्कर और पानी बराबर लेके बस शक्कर पिघले तक ही उसको पकाना। हाँ। नहीं तो चाशनी के रूप में अगर आप उसको गाढ़ी करोगे तो आपके मालपुए तो बन जाएंगे, लेकिन मालपुए आपके खाकड़ा पापड़े के जैसा टूटेगा, मतलब कड़क हो जाएंगे। लेकिन वो कड़क मालपुए भी बहुत से लोगों को पसंद आते हैं। जब वो रबड़ी के साथ खाते ना कड़क कड़क, तभी वो मालपुए भी मजा आते। और मालपुए पे रबड़ी जिस तरीके से बनाई हूँ ना मैंने, वो रबड़ी को पहले फैला के डाल के एक 15-20 मिनट छोड़ देना, ताकि वो मालपुए के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है पूरी, तब मालपुआ खाने की बहुत मजे आते हैं। यार देखो क्या रबड़ी भी मैंने ना एक नंबर बना ली, क्योंकि ना मेरे घर में मैं अवतार में ना बनाई हूँ 1-2 बार नीचे भी। हाँ। तो बच्चे बहुत शौक से खाए, तो इस वजह से आप लोगों को बोल रही हूँ कि पहले रबड़ी अच्छे से बिछा लेना। ऐसा लग रहा है कि ना अम्मी ना मेरा इम्तिहान ले रहे हैं, रमजान में मालपुआ और इतनी अच्छी अच्छी डिश मेरे सामने आ रही है। अभी मैं आप लोगों का दर्द समझ सकता हूँ अभी कि क्या बीतती होगी आप लोगों पे। तो अब क्या है, कुछ एक महीना बचा है रमजान का, तो मुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और बस मैं ये प्लेट उठा के ऐसा दिखा ही सकता हूँ, बस समझ रहे हो ना। रबड़ी में जो मैंने मिल्क मेड डाली हूँ, अब आप लोगों के पास सबके पास तो नहीं होता ना मिल्क मेड, तो आप शक्कर डाल सकते हैं, ठीक है। और रबड़ी पतली ही थोड़ी बर्न कर लेना, गैस पतली रख के, एकदम गाढ़ी करे तो गैस चालू रखेंगे तो आपकी रबड़ी एकदम खोवे के जैसा कड़क हो जाएगी। थोड़ा पतला रहेगा तो आप मालपुए पे बिछाओगे तो मालपुए अच्छे नरम सॉफ्ट हो जाएंगे, रबड़ी अंदर से सोक कर लेगी तो टेस्ट डबल ज्यादा आ जाएगा। हाँ। ऐसा तो यार मैं ना दुआ करूंगा कि आप लोगों को जहाँ मालपुआ मिलता हो वहाँ मिल जाए ये देखो मैंने, और अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग ऐसा अपने घर पे बना के जरूर ट्राई करना और खाना और फिर बताना। हाँ। ये देखो तो मैं बोली एक वाटी मेरे मैदे में कम से कम मेरे 4 मालपुए बने हुए, और वो भी ऐसे नहीं ऐसे पतले पतले मस्त मोटे मोटे, बहुत गजब के बनने वाले। मैदा एक वाटी है ना, फिर एक वाटी पानी हमने बराबर उसमें मात्रा मिलाया है, सब एक एक वाटी का हिसाब किताब है। और घी भी जो लेना है मैंने असली घी में बनाई हूँ, क्योंकि मीठा असली घी में अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डालडे में अच्छा नहीं लगता है, आप लोग डालडे में भी बना सकते हैं। हाँ। लेकिन बस मीठे तेल में नहीं बनाना, मालपुए मीठे तेल में नहीं अच्छे लगते, डालडे में बना सकते हैं आप, डालडे में बनाओ घी में बनाओ तो मालपुए अच्छे। तो बहुत से लोगों की ये डिमांड थी भाई कि मालपुए की रेसिपी दो, तो अभी मिल गई ना, तो अभी ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और ये है अंडे का मालपुआ। हाँ। अगर आपको बिना अंडे का मालपुआ देखना है तो हमने पुराने वीडियो डाले हैं, तो वो जाके जरूर देख लेना बिना अंडे का मालपुआ, ठीक है। देखो आटे के मालपुए बनते है, खोवे के मालपुए बनते है, और सिर्फ मिल्क के मिल्क पाउडर आता ना उसके मालपुए बनते है, और ये जो मैंने जो बनाई वो मालपुए बनते। अगर आप लोगों को दूसरे और मालपुए देखना है तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताना कौन से मालपुए देखने, ठीक है। हाँ, अभी क्या 1 साल हो गया ना, बात पुरानी हो गई तो मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। अच्छा है, मेरे को भी ध्यान में नहीं था, मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले चेक किया कि वो बिना अंडे का मालपुआ अभी हमने डाला, तो आप लोग जरूर देख लेना। दूध से बनाया था। हाँ, याद है ना। तो देखो भाई, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो, और जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दो, और ये मालपुए को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि बहुत से लोगों की डिमांड थी, मैं समझ सकता हूँ। रमजान में हम अफ्तार के बाद ईशा के बाद मालपुआ खाने जरूर जाते हैं, है ना। तो अभी नहीं जा पाएंगे तो अपने घर में बनाओ और खाओ, इससे लॉकडाउन का कोई लेना देना नहीं है, ये सारा सामान घर में मिल जाता है इजीली, ठीक है क्या नहीं। चलो अब चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। याद रखना।